झालमुड़ी बंगाल और बिहार का स्टेट फूड है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और फटाफट बन के भी तैयार हो जाता है। जब आपका स्नैक्स में कुछ हल्का खाने का मन हो तब आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सेफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि झालमुड़ी कैसे बनाते हैं। झालमुड़ी बनाने के लिए ये मैंने 3 कप मूढ़ी ली है। मूढ़ी को कई नामों से जाना जाता है, इनको मुरमुरे या परवल भी कहते हैं। मूढ़ी को हम पहले रोस्ट करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम मूढ़ी को डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें हम कोई भी ऑयल या घी का यूज नहीं करेंगे। मूढ़ी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम मूढ़ी को क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेंगे। अब हम मूढ़ी को चेक कर लेते हैं, हाथों की सहायता देखेंगे। ये देखिए आवाज आ रही है, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम 1/4 कप मूंगफली लेंगे, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को हम लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आने लगी है। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम झालमुड़ी बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। मिक्सिंग बाउल में हम मूढ़ी को डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। मूंगफली को भी डाल देंगे। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे। ये मैंने एक बॉइल्ड आलू लिया था, इनको बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको डालेंगे। एक टमाटर लिया था, इसको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा खीरा लिया, इसको बारीक काट लिया, इसको भी डाल देंगे। और ये मैंने एक हरी मिर्च ली थी, इसको बारीक काट लिया, इसको भी डाल देंगे। आप प्याज खाते हो तो प्याज भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला बनाने की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम सफेद नमक डालेंगे। अब हम 3 टीस्पून मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये मैंने बारीक काट लिया था, इसको डालेंगे। और 1/4 कप हम भुजिया डाल देंगे, इनको बारीक सेब भी कहते हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारी झालमुड़ी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अब हम झालमुड़ी को सर्व करेंगे। हमारी झालमुड़ी बनके तैयार है। जब आपको खानी हो तभी आप तुरंत बनाकर सर्व करें, नहीं तो झालमुड़ी सील जाती है। और आपका जब भी हल्का फुल्का खाने का मन हो तब आप इसे तुरंत बनाकर खा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।